इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच पूरे देश के सामने एक नई समस्या टिड्डियों की आ गई है। करोड़ों की संख्या में टिड्डियां पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते प्रवेश कर गई हैं। इसी के दृष्टिगत मथुरा में टिड्डियों के प्रवेश को रोकने के लिए मथुरा के कृषि विभाग द्वारा फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर राजस्थान बॉर्डर पर एक मॉक ड्रिल की गई। मथुरा के राजस्थान बॉर्डर पर स्थित रसूलपुर गांव में कृषि विभाग द्वारा फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा कीटनाशक दवाओं को किसानों की फसलों पर छिड़काव किया गया, ताकि टिड्डियां मथुरा में प्रवेश करती हैं तो फसलों पर ही किए गए छिड़काव से टिड्डियां खत्म हो जाएं। रसूलपुर गांव में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से किसानों की फसलों और पेड़ पौधों सभी जगह कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, ताकि टिड्डियां मथुरा की सीमा में प्रवेश न कर सके। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक धुरेंद्र कुमार ने बताया। लोकस के लिए आज यहाँ पे हम लोगों ने किया है मॉक ड्रिल। दीदी साहब हैं, बीपीओ मैडम हैं, सीएफओ साहब लोग सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। ये दिखाता है कि जो भी आगे उनके आने की संभावना है उसके लिए वी आर रेडी, और हम लोगों की यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। कुछ लोगों को ये बताएं आज क्या तैयारियाँ की गई हैं टिड्डी हमलों को लेकर। देखिए, हम 5-6 दिन से या एक हफ्ते से देख रहे हैं कि टिड्डी जो है पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश कर गई है। और टिड्डी का जो नेचर होता है ये कि ये सर्वभक्षी होता है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेशन है ये सबको खाती है, चाहे आपका उर्द हो, मूंग हो, आपका ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, जितने भी हरा मिलेगा सबको खा जाएगी। और ये भी नहीं मिलेगा तो पेड़ों की पत्तियों को जो है ये ख़त्म कर देती है। तो ये जो है इधर से होते हुए दौसा से फिर ये शिवपुर की तरफ गई, वहाँ से जो है झांसी में इसने डैमेज किया, ललितपुर में डैमेज किया, तो वहाँ पर जो है कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद में जो रिसेंट बुलेटिन है वो ये है कि 80% तो ये टिड्डियाँ ख़त्म हो गई, 20% है ये भी तीन उसमें स्वार उसमें जो है दलों में बट गई हैं, मध्य प्रदेश में चले गए हैं दो, एक तो शिवपुर से होते हुए उधर दौसा शिवपुर की तरफ मध्य प्रदेश में, फिर ललितपुर वाला भी उधर चला गया है, एक दल इधर आया था जो जयपुर से उधर अलवर की तरफ चला गया है। तो अलवर की पहाड़ियों के पीछे हैं, चूँकि अलवर यहाँ से 120 से 125 किलोमीटर है और जो दशा है हवा की वो भी उधर को ही है, तो इधर आने के वैसे तो चांसेस कम है। लेकिन हमने किसान भाइयों को के सामने आज ये जो डेमो किया इस गांव रसूलपुर में, सभी किसान भाई से परिचित भी हुए और सभी ने जो है इसमें सहयोग भी दिया कि अगर आती है तो हमको ये बचाव का उपाय करने हैं। जैसे इसमें ड्रम बीटिंग है, वो मोटरसाइकिल से है, वो ताली पीटना है, शोर मचा देना है, या गांव में जो डीजे है उसका प्रयोग करना है। यदि किसान भाई को ये है कि ये जो हम इसको भगाएंगे तो दूसरे के यहाँ जाएगी, एक गांव से भगाएंगे दूसरे के यहाँ जाएगी, तो इसके लिए हम सभी का समन्वित प्रयास होना चाहिए कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार गिराएं, ख़त्म कर दें। इसके लिए क्लोरोपाइरीफास एक बहुत ही अच्छी दवा है और इसका अपने यहाँ पे 1700 लीटर का जो है भंडार हमने सुरक्षित कर लिया है, जिसमें 200 लीटर इफ्को वालों के यहाँ पे हमने रिजर्व कर लिया है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आपदा प्रबंधन में जो 2005 है उसमें गाइडलाइंस है कि हमें पैसा नहीं देखना है, हमें रेट नहीं देखना है, हमें तो उसको बीमारी को ख़त्म करना है, उस कीड़े को ख़त्म करना है जो हमारे लिए प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो जब हम क्लोरोपाइरीफास छिड़क देंगे तो उसके 10-20-25 मिनट बाद ये बेहोश होकर गिर जाता है और मर जाता है। अब ये मरने के बाद में मान लीजिए आपके यहाँ पे खेत में 10-20 हज़ार या 10-20 लाख गिर गई, तो किसान भाई को घबराने की आवश्यकता नहीं, चूँकि ये हर्बीवोरस नेचर का है, चूँकि ये पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाता है, तो अगर ये मरेगा तो उसी में सड़ जाएगा, ह्यूमस का काम करेगा, किसी प्रकार की भी जैसे किसान भाई के उसमें वो साबित नहीं मरेगी, कोई बीमारी तो नहीं फैलेगी, तो कोई बीमारी नहीं फैलेगी। तो हम इसको जो है हमको कंट्रोल करना है। आज यहाँ पे एसडीएम साहब ने जो देखा इसको, मॉक ड्रिल को देखा, प्रधान जी के भी हम बहुत ही जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया सभी ग्रामवासियों का, और सबसे ज़्यादा हम सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे अपने चीफ फायर अफसर साहब का, शर्मा जी का, जिन्होंने ये कहा कि नहीं साहब हम चलेंगे, हम ये व्यवस्था करके आपके साथ में चल रहे हैं, तो हम पूरे तैयार हैं। तो आज का मॉक ड्रिल करने का जो उद्देश्य था वो यही कि अगर आता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, इसके लिए हम उनको मार डालेंगे यहीं पर।